सूजी का केक, रवा जिसको कहते हैं। अब हमने रवा का केक के लिए हमने लिया है 1 कप दूध लिया है, 1 कप रवा ली है और आधा आधा कप, एक कटोरी कोई भी नाप लेते हैं हम उसी से माप बना लेंगे हम। माप कहना चाहिए कि आधी कटोरी हमने पहले शक्कर डाली एक बाउल में। बाउल आप ऐसा लीजिए जिससे कि हम उसमें फेंट सकें सभी चीज़ें। और फिर इसमें हम डाल देते हैं एकदम गरम दूध, बिल्कुल गरम दूध डालेंगे खौलता हुआ, जिससे कि शक्कर मिल जाए हमारी उसमें घुल जाए। इस तरह का दूध डालेंगे एकदम गरम। फिर हम डालेंगे, पहले हम इसको घोल लेते हैं थोड़ा सा। शक्कर घुल जाने दे, घुल जाने पर ही हम, अब आधा बाउल हमने लिया है शक्कर, एक बाउल लिया है दूध और एक बाउल लिया है हमने रवा। इन सब चीज़ों का मिक्सचर बनाएंगे हम, घोल बनाएंगे। आप किसी भी चम्मच की सहायता से आप घोलिए, जैसे कि शक्कर जिससे घुल जाए। घुलने के बाद में हम इसमें डाल देते हैं रवा। रवा बिल्कुल बारीक लीजिए, अगर बारीक नहीं भी है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में आप उसको घुमा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो बारीक हो जाएगी। डालते जाएंगे हम, मिलाते जाएंगे इसको। और इसमें कोई भी हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका केक जो है सूजी का केक फटाफट तैयार हो जाएगा। ये तीन ही चीज़ हमने अभी डाली हैं, रवा, दूध और शक्कर। अब इसको घोल को बना करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक कि हमारी ये रवा जो है दूध सोख लेगा और गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। इसको अच्छे से फेंटना पड़ेगा और फेंट करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ढक करके रख देंगे। जब तक रवा घुल रहा है, जब तक हम केक टिन ले लिए, और केक टिन में हमने थोड़ा सा घी डाल करके इसको फैला देना है, जिससे कि चिपके ना। आप घी तेल किसी के भी ग्रीस कर सकते हैं आप, और साइडों से भी लगा दीजिए। साइडों से भी लगा दिया हमने, और बिल्कुल ना चिपकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदे का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि बिल्कुल ही नहीं चिपकेगा हमारा केक। हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, ऐसे हल्का सा भुरक देंगे इसमें। एक्स्ट्रा मैदा जो है हम निकाल देंगे, इस तरह से हमने कर दिया है। एक्स्ट्रा मैदा जो है निकाल देंगे, पूरी टिन में लगा दिया है इस तरह से। इस तरह से हमारा केक टिन तैयार हो गया है। और इधर हमने ड्राई फ्रूट जो है काट के रख लिए हैं, ये थोड़ा सा टूटी फ्रूटी है और किशमिश है, काजू है, बादाम है, ये सब काट करके रख लिया। जब तक कि हमारा केक का मिक्सचर तैयार हो रहा है, तब तक हम ये सब तैयारी कर लेते हैं। 10-12 मिनट हो गए हैं बहनों, देखिए अब मैं खोल के देखती हूँ ये रवा कैसा हुआ है। ये तो इसको हम किसी भी चम्मच की सहायता से इसको घोलते रहेंगे। अभी कम से कम 5 मिनट इसको इसी तरह एक राउंड में घोलते रहेंगे। और देखिए ये पानी पूरा, दूध पूरा सोख लिया है इसने पूरा, देखिए कितनी थिक हो गया ये। अब इसको हम इसी तरह चलाते रहेंगे 5 मिनट, जिससे कि ये अच्छा सा घुल जाए, इसमें बिल्कुल की गांठ या कुछ भी मतलब ना रहे, अच्छे से फिट जाए। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह चलाते रहेंगे हम 5 मिनट तक एक ही शेप में। अब देखिए बहनों, ये घोल हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको इससे ज़्यादा पतला हो आपका, तो इसमें आप थोड़ा सा रवा या मैदा हल्का सा मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं। इस तरह का घोल तैयार हो गया है, ये देखिए
अब हम इसमें किस फ्लेवर का बनाना चाहते हैं वो मिलाएंगे। अब जैसे बनाना एसेंस या जो भी आप फ्लेवर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अभी मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, मैं इलायची पाउडर बना रही हूँ, इलायची का फ्लेवर डाल कर के बना रही हूँ। इलायची पाउडर, ये इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। ये इलायची केक ही बनेगा। इसको इस तरह खूब घोल देंगे, हम पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आपको चॉकलेटी बनाना है या बनाना है कोई भी फ्लेवर डालना है, जो भी फ्लेवर आपके पास हो उपलब्ध उस समय वो आप डाल सकते हैं। अब मेरे पास इस समय नहीं था, मैंने जो है इलायची पाउडर डाला है, इलायची का ही केक बनेगा ये। इस तरह अब इसके बाद इस तरह घोल पूरी तरह से तैयार हो करके खूब फेंट लेंगे हम। फेंटने के बाद हम लास्ट में डालेंगे इनो पाउडर। एक तरफ मैंने अपनी कढ़ाई गरम करने रख दी है गैस पर, बनाने के लिए तैयार करने के लिए। अब मैं इनो पाउडर डाली हूँ। इनो पाउडर की जगह आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकती हैं। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर डेढ़ चम्मच करीब पड़ जाएगा इतने में, और खाना सोडा आधा चम्मच अगर इनो पाउडर नहीं है तो। इस तरह से आप बनाना स्टार्ट करेंगी तो देखिए रवा का केक अच्छे से बन जाएगा बिना ओवन और बिना कुकर। मैं कढ़ाई में ही बना के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह बनता है। ओवन में तो सभी कोई बनाते ही हैं, लेकिन मैंने कहा कढ़ाई में बना के देखती हूँ रवा का केक कैसे बनेगा। ये मैंने एक पुड़िया डाल दी है इसमें। अब इसको हम मिलाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मिलाते जाएंगे। उधर हमने कढ़ाई गरम करने रख दी है, देखिए कितना फिट किया है। पूरी अच्छे से मिला लेंगे, कहीं भी वो ना रहे, फिटेगा नहीं तो वहीं फूलेगा नहीं वो। अपने आप फूलता जा रहा है देखिए। इसी में हम अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। इसमें डाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट हम ऊपर डालेंगे बाद में सजाने के। उससे अब ये देखिए फूलता जा रहा है। अब इसको मैं फटाफट बाउल में डाल दे रही हूँ, टेन किट में टीन मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको हल्का सा डिप कर देंगे इस तरह से, कर दिया है। अब इसमें हमने सजाने के तौर पर हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे, चेरी डाल देंगे, जो आपको डालना हो सजाने के, किशमिश हैं। अब फटाफट हम गैस की तरफ ले जाते हैं इसको। देखिए ये हमने गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी पहले से ही गर्म करने के लिए, ये गर्म हो चुकी है। अब हमने इसको स्लो कर दिया। अब हम इस तरह का, या तो स्टैंड है तो स्टैंड ले लीजिए, मेरे पास स्टैंड है, और नहीं तो हम किसी भी तरह की कटोरी है या कुछ भी उल्टा करके कटोरी को रख देंगे। और ये मैंने इस तरह से स्टैंड रख दिया है। अब हम इस पर, अगर स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं, इस तरह उल्टी कटोरी रख देंगे स्टैंड नहीं है तो। और ये मैंने कढ़ाई में पानी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल है।
अब मैं इस तरह से इसको एक टिन को इस तरह से रख दूंगी और इसको बंद करके 10 मिनट के लिए 20 मिनट लग जाएगा। 20 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। गैस को मीडियम कर दिया है, स्लो मीडियम पे ही रखेंगे और पकने देते हैं केक को। 20 मिनट हो गए हैं बहनों, अब हम इसको कढ़ाई को खोल करके देखते हैं कि ये तैयार है कि नहीं है केक। अभी इसको हो तो गया है लगभग, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ चक्कू की स्टिप से। बिल्कुल साफ निकला है, देखिए चक्कू अभी आपके सामने लगा करके देखा हमने, देखिए बिल्कुल साफ। इसका मतलब है कि केक हमारा हो चुका है। अब हम इसको केक टिन को निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं 5-10 मिनट। जब तक बिल्कुल ठंडा ना हो जाए 10 मिनट में, तब तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। देखिए बहनों, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, स्पंजी भी हो गया है, ठंडा हो गया है केक। अब इसको हम चाकू की सहायता से, अब साइड से हम इसको इस तरह से गोल गोल निकाल देंगे। पहले साइडें इसकी छुड़ा लेंगे। ये कढ़ाई का केक खा करके देखिए, एक बार बना के ज़रूर देखिए इसी रेसिपी से। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमने इसको केक को निकाल दिया इस तरह। अब हमने इसके पीछे थाली एक लगाई है और थाली को पलट देंगे इस तरह, इसको इस तरह टिप करेंगे। ये देखिए हमारा केक पूरा निकल चुका है। अब देखिए कितना स्पंजी है ये। आपको देखने से पता चल रहा है कितना स्पंजी है ये। अब इसको हम किसी भी आकार में आप काटना चाहें, जिस तरह से भी काटना चाहें उसको काट लीजिए। देखिए चाकू से की सहायता से हम कैसे काटना है, और काटने से ही आपको पता चलेगा कितना स्पंजी है ये। देखिए आराम से कट रहा है ये हमारा केक। ये एक पीस हम काट के दिखा रहे हैं पूरी तरह से आपको, जैसे केक कटता है। ये देखिए कितना स्पंजी है ये, आप खुद देख रहे हैं पूरी जाली जाली हो रही है पूरे में। और ये देखिए इस तरह से हम दबाकर भी देख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए। अब बहनों ये अगर आपको इस तरह से रवा का केक बना करके, और अगर आप देखिए और अगर आपको अच्छा लगे, खाने में टेस्ट अच्छा लगे, बनाने में अगर अच्छा लगे आपको इस रेसिपी के हिसाब से, तो आप ज़रूर बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।